है जी। नमस्कार, मैं मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मानेंगे। आपको लेकर हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर और अभी हम एक प्यारा सा सुंदर सा एक कॉलेज में है जिसका नाम है वुमेन्स कॉलेज हाजीपुर, यही नाम है ना मैम? और ये मैडम के देख रेख में चलता है। इस विषय पर बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो बातचीत करने का मेन विषय है, वो ये है कि ये लड़कियां, ये महिलाएं अपने घर से निकल के अपने जरूरी स्थान पर जाती हैं, कैसे जाती हैं, क्या उन जगहों पर सही से सही सलामत पहुंच पाती हैं। ये रास्ते में तरह तरह के समस्या, तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इस विषय पर इन लोगों से बातचीत करेंगे। कॉलेज के टीचर्स भी हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। आइए शुरू करते हैं एक स्टूडेंट से। जी, आपका नाम? ओ माई गॉड, किसका नाम है? किसका? मैम, इसका भी तबीयत खराब है, मेरा भी तबीयत खराब है। चलो, सिंपल बात है, क्या घर से निकलती हो तो कभी मम्मी को, पापा को, या तुमको ऐसा लगता है कि रास्ते में कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, या कभी हुआ है? नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट एक डर लगता है दिल में कि कभी हो सकता है, बट आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। चलो, अगर तुम्हारे दिल में ये डर है तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं सुनी होगी। हाँ, ऐसी सुनी, मतलब अक्सर लड़कियों के साथ सुनी, बट अपने साथ कभी नहीं सुना मैंने। अब मेरे साथ तो कभी हुआ ही नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैम, ये सारे बच्चे हैं, क्या ऐसा रिपोर्ट, ऐसा कभी कंप्लेन आता है कि जो लड़कियां घर से निकलती हैं तो इनके साथ ऐसा कुछ वारदात होता है? जी हाँ, मैं यह शिक्षण संस्था बहुत वर्षों से चला रही हूँ और इस क्रम में मैंने पाया कि इधर लड़कियां असुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। पिछले 2 साल की बात है, कुछ बच्चियां मेरे पास कंप्लेन करते आई, वो मोहल्ला का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें आने जाने के क्रम में लड़के बहुत छेड़ते हैं और वे अपने को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं और वो कॉलेज आना भी सोच ली कि अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो वो मुझे आना बंद करेंगे। कि मैम आप कुछ कीजिए। तो मैंने उनका हौसला अफजाई की और कहा कि देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम डरोगी और कॉलेज छोड़ोगी, यही तो मनसा उनकी पूरी होगी। उसके बाद बच्चियों को मैंने सब चीज़ समझाया और बताया कि किस तरह से आना है और अपने को उसको मॉरली बूस्टअप कराया। और मैंने इस संबंध में एसपी साहब से भी उन लोगों को मिलवाया, उनके पेरेंट्स को मिलवाया, और उसके बाद हमारे शिक्षक सभी कोई गए वहाँ एसपी साहब के यहाँ और एसपी साहब की ओर से भी कोऑपरेशन मिला और जो उचक्के जो उनको तंग कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, वे पकड़ा भी गए। उसके बाद से वो लड़कियाँ सेफली आ रही हैं। लेकिन ऐसा होता है और एक शिक्षण संस्था के हेड होने के नाते मुझे मदरली इनसे बिहेवियर करना पड़ेगा, तभी अपने दुख सुख, किसी तरह का समस्या होगा, आपसे शेयर करेंगे। कई ऐसे माता पिता होते हैं जिनसे उनके बच्चे अपने दिल की बात नहीं बता पाते हैं। कई ऐसी लड़कियां होती है जिनके साथ अगर रास्ते में कुछ होता है, कोई घटना दुर्घटना होता है, तो हिम्मत करके जाके अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि भैया को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा तो कल से मेरा स्कूल आना बंद हो जाएगा। इन लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई भी बात हो, चाहे टीचर्स को बताएं या अपने गार्जियन को बताएं, गार्जियन को समझना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। आप समाज से भी हैं, एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या कहती है जो बच्चों को, लड़कियों को, लड़की तो लड़की, औरतों को रास्ते में छेड़ा जाता है लोकर्स, गुंडों लोगों के द्वारा, इसके लिए आपकी संस्था और आप क्या करती है? हम लड़कों को भी अवेयर करते हैं जगह जगह जाके कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको। इस तरह की हरकत आप करेंगे तो समाज हमारा किधर जाएगा? आप सब लोगों को, लड़कियों को तो ठीक है, मदर पेरेंट्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए। मैं भी दो बच्चों की, मेरी भी दो बेटियां हैं, जब तक घर नहीं लौटती हैं तब तक रहता है स्कूल में सेफ है नहीं, रास्ते में सेफ है नहीं, ट्यूशन में सेफ। अभी मैं आपको कल गाँव की बात बताऊँ, एक इंटीरियर में लड़की कोचिंग गई हुई थी, उसके साथ में बहुत गलत हरकत किया लड़कों ने, लड़का जेल भी चला गया। और इस तरह का, मतलब लड़की का नाम खराब हो जाता है, लड़कों का कुछ नहीं जाता, विक्टिम ही ज़्यादा सफ़र करता है। इसलिए लड़कों को, हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि उसकी प्रोटेक्शन में आए, इस तरह का हरकत ना करें। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि जगह जगह अगर इस तरह का लड़का है तो उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट करें और उसको अपने में जोड़े ताकि वो सोसाइटी में चेंज लाए। अच्छा, चलिए, कहने का मतलब है जो ऐसे लड़के जो इस तरह का डिस्टर्ब करते हैं, किसी की माँ बहन को तंग करते हैं, उन लोगों को समझाने, उन लोगों को बताने की जरूरत है। क्या कहती है मैम आप?
अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर मान लिए आते जाते हैं किसी रास्ते में कहीं पे, तो वो कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। अगर मान लिए उनको किसी चीज़ से सामना करना पड़े, किसी के साथ अगर परेशानियां का परेशानी झेलना पड़े, तो वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके लिए जागरूकता प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। क्या लगता है कि घर से निकलती हो रास्ते में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी, पर ऐसे लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सर्किल में किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई घटना? नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं। तुम्हारे किसी दोस्त के साथ? तुम्हारे किसी दोस्त के साथ? जी नहीं। यस सर। किसी के साथ कुछ खास कर कुछ और लड़कियों के साथ जो खूबसूरत होती है, आगे पीछे लड़के दौड़ते हैं और गाना वाना गाते हैं, तो हम लोग कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी पलट के जवाब भी देते हैं, मगर वो लोग मानते ही नहीं, तो क्या किया जाए। चलिए, एक बात है कि अक्सर लड़कियां जब कभी जाती हैं, वो बच्ची कर रही है, तो कुछ लोग अगल बगल में गाना गाते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो कुछ लड़कियां इग्नोर करके चली जाती हैं, कुछ इसका प्रॉपर जवाब भी देती हैं, पर ऐसे लफुए लड़कों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए मैडम, इस तरह जैसे आपने, चलिए प्रशासन का मदद, क्या संभव है हर घर में, हर घर के गार्जियन और प्रशासन हर जगह जाकर के देखे? ये तो संभव नहीं है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि स्टूडेंट को या जो भी लड़की है उसको उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा, और ये उसके घर की माँ कर सकती है। और सबसे जरूरी है संस्कार की भावना, संस्कार की भावना लुप्त होने से ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर हर घर की माँ अपने बेटे को बाहर निकलने के पहले डेली यह शिक्षा दे कि देखना जो भी लड़की जा रही है वो तुम्हारी बहन के समान है, तो ऐसी घटना होगी नहीं। लेकिन कोई समझाते नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, अगर माँ चाहे तो इस तरह का अपराध रुक सके, लेकिन शायद हम माँ हैं लेकिन हम भी शायद समय नहीं दे पा रहे हैं। मैडम, आपसे एक बात ये निकल करके आई कि बेटी अगर घर से बाहर जाती है तो समय पर आ जाना, लेट मत करना, दूसरे रात में कहीं मत रुकना, यही काम अगर बेटा करता है तो बेटा को कोई बोलने वाला नहीं होता। बेटा के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, बेटा के लिए भी लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी से आशा करते हैं कि समय पर आए, समय पर जाए, अनजान लोगों से बातचीत नहीं करे, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करे, तो ये नियम, ये कानून आपके बेटों पर भी लागू होना चाहिए। अगर ये परंपरा शुरू हो जाए, जिस तरह हम बेटियों पर चेक करते हैं, तो ऐसी घटना निश्चित रूप से रुक जाएगी। और इसके लिए अभी से हर माँ को, हर बहन को, माँ के, चलिए माँ को छोड़िए, कम से कम हर बहन को ये कहना चाहिए कि भैया जो काम तुम कर रहे हो, जो मेरे साथ जैसा तुम्हारा सलूक है, वैसा ही दूसरे बहन के साथ होना चाहिए। हो सकता है इसके बाद लोग समझे या आगे समाज को भी, जैसे समाज में हमें पता है उसका लड़का कैसा है, उसका बेटा किस तरह, किस नेचर का है, अगर हमको दिखता है कि गलत है, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या पड़ा हुआ है। कल आज वो दूसरे लड़की को छेड़ सकता है, तो कल हमारे घर के भी लड़की को छेड़ सकता है। तो समाज में अगर इस तरह का लड़का है, तो हमें छुपाने की जगह उसके माँ बाप को समझाना चाहिए, उनको अपने कॉन्फिडेंस, उनको भी समझना चाहिए, और बैठ के उस बच्चे को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर डॉक्टर की मदद लेनी हो तो डॉक्टर की भी पूरी मदद लेनी चाहिए। और ऐसे अगर सब समाज के लोग सोच ले, जगह जगह इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि उसके साथ हो रहा है, छोड़ो मुझे कुछ नहीं करना, हम लोग की ये मेंटेलिटी जो है समाज की, वो छूट जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले तो समाज को मानसिकता बदलनी होगी कि ये काम जो कर रहे हैं दूसरों की लड़कियों के लिए छेड़खानी, सो अपने बहन के साथ अगर तुम्हारे साथ कोई करता है तो कैसा लगेगा। इसलिए सबसे पहले तो समाज, पहले हम सुधरेंगे तब समाज को सुधारेंगे। इसके लिए पुलिस की भी प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, हमारे पास उतना फोर्स ही नहीं है, हम क्या करेंगे। पीछे कुछ लड़कियां हैं, एक बार उन लोगों से बात करते हैं, बाकी लोग अपने जगह पर कहां भाग रही हो, चलो ऑटो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। जी, आपका नाम? नीतिका। नीतिका, ऐसे लड़कों को कैसे ठीक किया जाए कि राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं, कॉमेंट करते हैं, गाना सुनाते हैं? ऐसे लड़कों को उसी वक्त जवाब देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनको मिल जाता है कि वो हर दिन ऐसा करेंगे, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार इग्नोर करते हैं तो उनका मन बढ़ जाता है। हाँ, वो बढ़ जाता है, तो उन्हें कड़ा जवाब देना चाहिए, ताकि ऐसी हरकत कोई लड़की के साथ नहीं करे, सबको मतलब एक अपनी बहन की ही समान माने आजकल का, मतलब तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। जी चलिए, इनका कहना है कि तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। कई बार होता है कि चलो इग्नोर करते हैं, कई लोग कई सीधी साधी लड़कियां होती है कि काहे लफड़ा में पड़े, चलो इग्नोर करो यार जो होगा, लेकिन इससे उनका मन बढ़ जाता है, तो तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या कहती हैं आप इस बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि लड़का लोग जब भी कुछ कहे तो उसी टाइम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि उन लोग का आगे मन नहीं बढ़े। चलिए, बहुत अच्छे, तुरंत एक्शन ले। क्या कह रही है?
जैसे सर हम लोग जैसे निकलते रास्ते में, कोई भी लड़का लड़की भी रहते हैं, तो जैसे लड़के लोग निकलते तो लड़का लोग कमेंट पास करते हैं, तो लड़की लोग जैसे सोचते कि चलो गार्जियन है, कहीं लड़का लोगों को कुछ बोलेंगे फिर लड़का लोग बाद में हमें कुछ भी करे या उठा के ले जाए या कुछ भी करे, लड़की लोग तो डर जाती है और घर में रह जाती है, फिर किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो उसको मतलब उस टाइम वो करना चाहिए कि उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए और उसको मतलब ये जेल में पहले बैठवाना चाहिए। मतलब जो एक्शन लेना है तुरंत उसी समय ले लेना चाहिए। क्या कहती है दीदी? आपको अगर कोई छेड़ेगा, कोई तंग करेगा, कोई सिनेमा का गाना सुनाएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसे उसी वक्त जवाब देंगे ताकि वो दूसरे बार से मेरे साथ या किसी और के साथ, दूसरी बार उसको गाना ही नहीं याद आए, ऐसा जवाब देना है कुछ लफुआ को तुमको देख करके गाना ही नहीं याद है, तुरंत एक्शन लेना है। छोड़ना नहीं है कि किसी बहाना करके कि नहीं छोड़ो आज छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां ये सोचती हैं अगर उसको कुछ बोले, कुछ उससे बातचीत की, अगल बगल के कोई लोग देख लेगा, हमारे घर में जाकर के खबर कर देगा। कई बार गांव जैसे छोटे जगहों पर होता है तिल का तार और राई का पहाड़ बन जाता है, इसलिए कई लड़कियां कई महिलाएं इग्नोर करके चली जाती हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से क्या हो सकता है? इग्नोर करने से और मानसिकता उसकी ऊंची होगी और वो गलत काम करने के लिए विवश हो, ये उसको उसका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। और जैसे जो अगर घटनाएं जहां पे होती है आसपास तो लोग होते हैं, लेकिन आसपास के लोग भी उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समझते हैं कि मेरे घर की बेटी नहीं है, छोड़ो क्या है, मतलब हम इसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पर मिलकर सभी लोगों को उसको सबक सिखाना चाहिए। वो लोग बिल्कुल ही, उन लोगों के पास डिसिप्लिन तो होता नहीं है, अगर जो कोई किसी के साथ अपनी बहन के साथ हो तो वो लोग नहीं देख पाते हैं, तो क्यों दूसरी के बहन के साथ ऐसा करते हैं? सुनिए, बहुत बड़ी बात है, अपनी बहन है और दूसरी की बहन आपको बहन नहीं लगती है, अपनी बहन के साथ कुछ हो जाए तो हंगामा मचा देंगे, बवाल कर देंगे, लेकिन दूसरी की बहन है तो कोई बात नहीं। ये सोचने वाली बात है, जिस तरह आपकी अपनी बहन है दूसरी की बहन को भी अपना ही समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई बात नहीं होगी। इसी के साथ बातचीत को दौर को अभी रोकते हैं, आगे बढ़ेंगे, इन माताओं बहनों सिस्टरों से बहुत कुछ बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।